कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी पूरी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कराया है और इसको पूरा ऑर्गेनाइज कराया सिर्फ एक कार्डबोर्ड की हेल्प से। तो देखिए एक कार्डबोर्ड से कितने प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइज़र बने हैं। सब कुछ सेट हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ साड़ियों को मैंने एकदम डिस्कार्ड कर दिया, तो उनको ले आई हूँ मैं अपने स्टूडियो। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो आपको नहीं पहनना है ना उनसे भी आप क्या क्या बना सकते हो और अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हो। तो बहुत सिंपल है आज का ये आइडिया। इनमें से देखिए एक साड़ी से मैं आपको तीन अलग अलग तरीके से DIY करके दिखाऊंगी और तीनों ही आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये जो मेरी सुपरनेट की साड़ी है इससे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा इसका रीयूज होता है, आप इसको कई तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ इसको आप फेस्टिवल सीजन में आपको किसी को गिफ्ट करने में या फिर शादियों में हर तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले साड़ी को इस तरीके से रखेंगे और इसका जो पल्लू वाला पोर्शन है ना इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो पल्लू वाले पूरे पोर्शन को कट कर ले रही हूँ और इसको कट करके बनाऊंगी दो बहुत ही सिंपल से और यूजफुल ऑर्गेनाइजर। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके दो पोर्शन निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों टुकड़े कट चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसको ओपन करिए और आप देखेंगे कि दो साइड से लेस लगी होगी, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे अब नहीं है वहाँ पर आप अपनी उसी साड़ी की बॉर्डर को यहाँ पर अटैच कर लीजिए। तो इससे होगा क्या, सिलाई भी नहीं लगेगी ज़्यादा एक्स्ट्रा और आपका देखने में भी ऑर्गेनाइजर बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब इसको कर लेते पूरे लेस एक कम्प्लीट, तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए दोनों में मैंने लगा भी दिया है और एक लंबा सा रेक्टेंगल पीस रेडी हो गया है। अब आपको यहाँ पर चाहिए एक जिप। जिप लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल होता है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। आपको जिप लेना है और उसको इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ये देखिए जिप ओपन हो गई। अब एक पोर्शन आपको इधर लगाना है उल्टा करके, उसके बाद इसको सिलने के बाद, ठीक है, सिल लिया आपने उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा चेन कंप्लीट। इसी तरीके से दूसरे पोर्शन पे भी लगा देंगे। दोनों साइड से जिप लगाने के बाद इसमें आप रनर डाल दीजिए और ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब आपको इसमें कोई सिलाई नहीं करनी है क्योंकि चारों तरफ से तो देखिए लेस है। अब आप सिंपल इसको इस तरीके से करिए और आपको एक सिलाई इधर से और एक सिलाई साइड से इस तरीके से पूरा इसको सिल लेना है। तो आपका बिना मेहनत करा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। ना अस्तर की इसमें ज़रूरत है, ना ही कोई स्पेशल टेक्निक की, ना ही कोई लाइनिंग की, ना ही फोम की। बहुत सिंपल सा ये ऑर्गेनाइज़र, देखने में बहुत ही लाइट और बहुत ही मजबूत, क्योंकि ये सुपर नेट है। तो नेट का या टिश्यू का कुछ भी फैब्रिक हो एक बार ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब वो सारी साड़ियाँ जिनको आप पहनना नहीं चाहते इस तरीके से आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं और उनको एक नया लुक भी दे सकते हैं। आप मार्केट में ख़रीदेंगे ऐसे ऑर्गेनाइज़र महंगे तो मिलते ही मिलते हैं और इतने वो मजबूत भी नहीं होते। आप खुद से सिंपल तरीके से बनाइए और अपने बहुत सारे पैसे बचाइए। अच्छा इस तरीके से ना आप इसको सेल भी कर सकते हैं, साड़ी अगर अच्छी कंडीशन में तो भी आप इसको बेच सकते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना कर के, या फिर आप नई साड़ी से भी या फिर नए कपड़े से भी बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं साड़ी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाने के। तो आप साड़ी हो, नई साड़ी हो, पुरानी साड़ी हो, किसी भी तरीके से आप इस तरीके के बना सकते हैं ऑर्गेनाइज़र और घर बैठे अर्न कर सकते हैं। और अब चलते हैं आपने आइडिया नंबर सेकंड की ओर। यहाँ पर मैंने लिया एक छोटा सा उसी साड़ी का टुकड़ा और आपको लेना है शॉपिंग वाला कोई भी जो थैला होता है उसी का ही एक पीस, एक बराबर लीजिए और साथ में कोई भी फोम की शीट। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। मैंने इसको 15x10 इंच का कट कर लिया, 15 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। कपड़े को उल्टा करके रख लेंगे और तीनों ही चीज़ों को सिल लेंगे और सिलने के बाद इसको पलट देंगे। ये देखिए मैंने इसको तीनों तरफ से सिल लिया। अब इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद जो इसका खुला हिस्सा है वहाँ से इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद चारों तरफ से इसको सिल लेंगे।
तो ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है। अब आपके पास कोई भी लेस हो किसी भी तरह की, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा जब इसमें आप लेस लगाएंगे। तो मैं चारों तरफ से इसको लगा लेती हूँ और इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। इसके बाद इसको 4 इंच या 5 इंच जितना आपको मोड़ना हो आप इसको मोड़ सकते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगी इसकी पॉकेट रेडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे वेलक्रो टेप। तो ये देखिए इसको पूरा मैंने स्टिच कर लिया वेलक्रो टेप को, और अब आपको ऐसे फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। सिंपल एक एक सिलाई या दो दो सिलाई आप कर लीजिए, आपका बहुत ही खूबसूरत सा एनवलप पर्स रेडी हो जाएगा। आप इसको शादी में यूज़ करिए, किसी को गिफ्टिंग में करना है, शगन में देना है, आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये देखिए बिना खर्च का बहुत ही प्यारा सा पर्स रेडी है। आप इसको कॉइन बैग मनी कुछ भी रखना है इसमें रख सकते हैं, किसी को गिफ्टिंग में भी दे सकते हैं। और वैसे भी इस फेस्टिवल के बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस तरीके से बना करके भी सेल कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, तो आपके पास कोई भी साड़ी हो, आप इससे ना बहुत सारे गिफ्टिंग के लिए पर्स बना सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, मैंने तो बहुत सिंपल बनाया। आप इसमें टसल्स या फिर पॉम्पॉम कुछ भी और ऐड कर दीजिए तो बहुत ही मस्त बन जाएगा ये। तो है ना कमाल का आइडिया, बिना एक भी रुपए खर्च करे कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो और ये आइडिया पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। यहाँ पर मैंने सेम साड़ी का एक टुकड़ा कट करा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वैसे तो सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास ग्लू गन है तो ग्लू गन यूज़ करिए, लेकिन अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो सिलाई भी कर सकते हैं, हाथ वाला मतलब सुई धागा भी चलेगा, या फिर मशीन से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। बस साड़ी के टुकड़े को लेना है और उसके ऊपर वाले पोर्शन को एक सिंपल आप एक स्टिच कर लीजिए, ताकि इसमें थोड़ा सा फोल्ड हो सके। ठीक है, यहाँ पे हम कोई डोरी नहीं डाल रहे हैं, सिंपल इसको फोल्ड करना है। अब कपड़े को पलट दें और इस तरफ से भी आपको सिलाई करनी है, बाकी ऊपर का पोर्शन इसको खुला छोड़ दीजिए। कपड़े को रेडी करने के बाद अब आपके पास इस तरह की अगर बास्केट हो तो उसको ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि इसको मैं एकदम नया लुक देने वाली हूँ। आपको कपड़े को उल्टा करके बस इसको पेस्ट करना है, अगर पेस्टिंग है तो पेस्ट कर लीजिए, नहीं तो फेविकोल से भी आप काम चला सकते हैं, आराम से ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। बस छोटी छोटी चुन्नटें डाल लीजिए, ये देखिए बहुत सिंपल है, कोई इसमें लेस बॉर्डर कुछ नहीं लगा रही हूँ मैं आपको, सिंपल इस तरीके से साड़ी को रीयूज़ करना बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह की बास्केट्स हम सबके घरों में आई जाती है, बच्चे होते हैं तो उनको गिफ्ट में मिलता ही मिलता है। तो आपके पास भी अगर इस तरह की बास्केट है तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। सिर्फ साड़ी को ही आपको इस ऐसे पेस्ट करना है, सिंपल सिर्फ नीचे की ओर से, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको गैप में लगा लीजिए, छोटी छोटी चुन्नटें डाल लीजिए, ये पूरा हो जाएगा कम्प्लीट। तो देखिए ये हो चुका है पूरा कम्प्लीट। यहाँ पर पुरानी बास्केट को मैंने फिर से नया लुक दे दिया है। अब इसको आप किसी को भी गिफ्टिंग में दे सकते हैं, शादी में, बर्थडे में, या फिर किसी भी फंक्शन में, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आए आप इस तरीके से उनको दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। साड़ी तो है, साड़ी को मैंने इस तरीके से देखे अच्छे से सिक्योर कर दिया। ठीक है, अब आपकी बास्केट है इसमें आप बो लगा दीजिए, नेट का या फिर रिबन का लगा दीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्टिंग का। यहाँ पे मैंने बो बनाया है, साड़ी की ही एक पुरानी लेस है उसको इस तरीके से, तो आप और भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को फिर से नया क्रिएट कर सकते हैं। कोई रुपए नहीं लगते, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी खर्च भी नहीं लगता है, सब कुछ आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। तो फेंकने से बेटर है कि आप इस फिर से ट्राई करें और अपने बहुत सारे पैसे बचाएं। आज के तीनों आइडिया में ना आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होगा, यकीन माने, और आप इनसे बहुत सारा कमा भी सकते हो। आप इस तरीके से बना करके बहुत कुछ सेल कर सकते हो अपने घर में, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कैसे भी आप इसे बेच सकते हैं। बहुत खूबसूरती से बनते हैं और बहुत इनकी डिमांड भी रहती है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कमाने का भी और अपने पैसे बचाने का भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और इन तीनों आइडिया में ना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे आप ये भी कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।